आप सभी फर्स्ट ईयर फूड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी एडमिशन हुआ है। हेलो, राहुल कुमार, साहिल कुमार, बैंसला, विजेंद्र कुमार, आप तक आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है आवाज। नमस्कार सर। नमस्कार। तो आपका सभी का फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ है या कोई लेटरल एंट्री के थ्रू सेकंड ईयर में भी आया आप में से? सारे सर फर्स्ट ईयर में है। फर्स्ट ईयर के? तो सबसे पहले तो भाई स्वागत है आप लोगों का फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मंडी आदमपुर में। सबसे पहले तो ये बताऊं कि डिप्लोमा फूड टेक्नोलॉजी के सिर्फ दो ही इंस्टीट्यूट हैं इस हरियाणा में। एक तो ये मंडी आदमपुर में हमारा 95 से रन कर रहा है और पिछले 7-8 साल से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मोड के अंदर चौधरी बंसीलाल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भिवानी के अंदर भी फूड टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा चल रहा है, लेकिन वो अभी नया डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट में हम फिलहाल 6 टीचर्स हैं जिसमें से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कुलवीर सिंह अलावा जो अभी प्रिंसिपल का भी काम देख रहे हैं। फिर हैं श्री राजेश जिंदल जो हमारे ओआई एग्जाम भी हैं, ऑफिसर इंचार्ज एग्जाम वो देखते हैं, और हॉस्टल के सुपरिंटेंडेंट भी हैं गर्ल्स बॉयज दोनों के। फिर मैं हूँ वेदपाल यादव, मैं लेक्चरर हूँ यहाँ और ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का काम देखता हूँ फूड टेक्नोलॉजी का, और साथ में गर्ल्स हॉस्टल का वार्डन का चार्ज भी मेरे पास है। उसके बाद है बंसीलाल जी, उसके बाद हमारे एक साथी और हैं जयसिंह जी, लेकिन उनकी अभी डेप्यूटेशन पे वो गए हुए हैं भिवानी, वहां पे फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को देख रहे हैं। फिर है हमारे पास यहाँ मैडम नीरू, और उसके बाद है हमारे जो आप सभी के टच में रहे हैं एडमिशन के सारे मामला को देखने वाले मोहित जिंदल सर। तो इस तरीके से हम टोटल 6 टीचर्स यहाँ हैं, एक हमारे जो साथी हैं वो भिवानी में है। फूड टेक्नोलॉजी फील्ड के बारे में आपको इंट्रोडक्टरी क्लास लेने के लिए मुझे कहा गया है, तो सबसे पहले तो एक भ्रांति से शुरू करूंगा कि जो भी बच्चा फूड टेक्नोलॉजी फील्ड में आता है उसको ये कहा जाता है कि ये तो हलवाई बन गया, या ये तो रोटियां बनाएगा, या ये सब्जी पूरी बनाएगा, या ये मिठाई बनाएगा। तो ये परसेप्शन आज से नहीं है, हमारे साथ ये परसेप्शन शुरू से जुड़ी हुई है, और इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि वो मजाक के तौर पे आपके प्रोफेशन के साथ, जैसे हम कंप्यूटर वालों को कहते हैं कि ये डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, तो ये मजाक की बातें हैं, इनको सीरियसली ना लें। एक्चुअल में फूड टेक्नोलॉजी के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं पिछले, क्योंकि हम यहाँ सन 2000 से काम कर रहे हैं, 20 साल हो गए हमें यहाँ, तो हमारे जो बच्चे हैं जिनकी उनकी प्लेसमेंट कहाँ कहाँ होती है वो मैं आज आपको थोड़ा सा एक ग्लिम्पसेस दिखाना चाह रहा हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं वो कहाँ कहाँ प्लेस हैं, कैसी उनकी प्लेसमेंट्स हैं। तो 1 मिनट का मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, मैं एक फॉर्म हमने एक वेबसाइट मेंटेन की हुई है भाई, उस वेबसाइट पे आपको लेके जाता हूँ, वहां से आपको दिखाता हूँ कि हम किस तरीके से
हमारे स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ हैं और कैसे हम काम करते हैं, हमारा तरीका क्या है काम करने का। आवाज आप लोग सभी लोगों तक क्लियर आ रही है? यस सर। ओके, ये हमारी एक अनऑफिशियल वेबसाइट है भाई जो हम मेंटेन करते हैं, जिसमें हम हमारे पास जो रिकॉर्ड है, हमारे पास जो डाटा है, उसमें काफी बच्चे जुड़े हुए हैं, तो उन सभी की मदद के लिए अगर वो यहाँ से चले भी जाते हैं तो, या हमारे पास जो अभी तीनों साल के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग फर्स्ट ईयर के हो, उन सभी की मदद के लिए हमने एक वेबसाइट बना रखी है जिसमें हम अपना एलुमनाई की जो हमारी फूड की वॉल ऑफ फेम है वो दिखाता हूँ। हमने हमारे डिपार्टमेंट के बाहर ये दीवार बनाई हुई है, उस दीवार के ऊपर हमने ये इन बच्चों के जो हमारे यहाँ से पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनके पोस्टर्स लगाए हुए हैं कि कौन कहाँ पर है, क्या कर रहा है। तो इस तरह के ये फोर साइज के लेमिनेटेड फोटोग्राफ्स हैं, कब पास आउट हुआ था ये बच्चा, इस इंडस्ट्री में था, जो भी हमारे पास लास्ट इनकी अपडेट थी, हमने ये पोस्टर बना के डाले हुए हैं जिसमें उनके कॉन्टेक्ट नंबर है, ईमेल आईडी है। आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है भाई ये? हेलो सर। यस दिख रहा है सर। हाँ, मेरे को बीच में कंफर्मेशन दे दिया करो भाई, ताकि मेरे को लगे कि हाँ मैं जो करना चाह रहा हूँ वो पहुंच रहा है आप लोगों तक। तो ये हमने एक वॉल ऑफ फेम बनाई है जिसमें करीब 100 से ऊपर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो कौन कहाँ पे क्या कर रहा है वो सारा डाला हुआ है। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि हमारे कौन कौन से स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ पे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। तो जितने हमसे कवर हुए या जो हमारे पास आए, जिनके भी सीवीज या जो भी इंफॉर्मेशन थी हमें चाहिए थी, वो हमने इसमें डाली है। तो एक तो फूड की वॉल ऑफ फेम आपको एलुमनाई में मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको बहुत से स्टूडेंट्स मिलेंगे जिन पे मैंने उनके फोन नंबर भी दिए हुए हैं, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, और अभी तो हो सकता है इनमें से कुछ एक ने अपनी, क्योंकि हमने ये 2016 के अंदर डाटा लिया था, तो बहुतों ने अपनी इंडस्ट्री चेंज कर दी होंगी, जो प्रोफाइल चेंज हो गए होंगे, लेकिन फोन नंबर इनमें से बहुतों के चलते मिलेंगे। तो आप लोग इनसे वेरीफाई कर सकते हैं कि हमने फूड में एडमिशन लिया है, कैसा डिपार्टमेंट है, फ्यूचर क्या रहेगा, उसके बारे में आप इनसे बात कर सकते हैं। एक तो ट्रांसपेरेंसी हमारे सिस्टम के अंदर कि कोई भी चीज को छुपाया नहीं गया है, बिल्कुल क्लियर कट तरीके से कि आप इनमें से किसी भी सीनियर से फोन पे बात करके पूछ सकते हो डिपार्टमेंट के बारे में, फील्ड के बारे में, ये फील्ड कैसा है। अभी हमारा तो क्या, मेरा एक यूट्यूब चैनल है, उस चैनल पे मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें बहुत से बच्चे है ना क्वेश्चंस करते थे कि जी फूड टेक्नोलॉजी कैसा फील्ड है। मैं एक बार वो वीडियो निकाल के और फिर आपको दिखाता हूँ। उस वीडियो में मैंने बड़ा कंसाइजली प्रिसाइजली यही चीज बताई थी कि भाई फूड टेक्नोलॉजी फील्ड है क्या, और इस फील्ड के बारे में जो राय है वो क्या है लोगों की, और एक्चुअल में ये फील्ड, क्योंकि हमें तो 96 में मैंने एमएससी में एडमिशन लिया था तो मुझे फूड साइंस का पता चला था, तो एज ए फूड टेक्नोलॉजी 25 साल में मेरी जो समझ में आया वो फील्ड क्या है, उसका ये वीडियो है। ये वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा अभी, तो इससे भी थोड़ा सा आपको समझने में मदद मिलेगी। वीडियो की क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि मैंने इसी पीसी पे रिकॉर्ड किया था, लेकिन जो बात बताई गई है वो समझने की ट्राई करना है इसमें। क्या हो काल पर ठीक बार। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वेदपाल यादव है, मैं फूड टेक्नोलॉजी में लेक्चरर हूँ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पंडियाला। आज मैं जिस विषय को, जिस टॉपिक को लेकर आपके सामने आया हूँ, उसका बहुत बार जिक्र होता है, बहुत बार स्टूडेंट्स ये प्रश्न करते हैं कि
टेक्नोलॉजी करियर के रूप में इंडिया में हिंदुस्तान में कैसा है? जैसे और टेक्निकल ब्रांचेस हैं, कंप्यूटर है, मैकेनिकल है, सिविल है, वैसी पहचान फूड टेक्नोलॉजी की हिंदुस्तान में क्यों नहीं? और अगर इसमें डिप्लोमा करते हैं फूड टेक्नोलॉजी में तो और ब्रांचेस से ये बेहतर है या और ब्रांचेस से ये कमतर है? वैसे सवाल बार बार उठते हैं, तो इन सवालों का जवाब देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाने की सोची है। सबसे पहले तो मैं डिक्लेयर करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, मैं 18 साल से डिप्लोमा इन फूड टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ और करीब करीब 20-22 साल से मैं खुद फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। तो मेरी नेटिव ब्रांच होने के नाते मेरा फूड टेक्नोलॉजी के प्रति एक लगाव, एक समझ और ब्रांचेस के मुकाबले ज्यादा है। एज ए ब्रांच फूड टेक्नोलॉजी के बारे में कहा जाता है कि ये एक सनराइजिंग ब्रांच है, या ये जो फूड इंडस्ट्री का फील्ड है, सनराइजिंग इंडस्ट्री है, ये सनराइजिंग फील्ड है। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि और ब्रांचेस के प्रोडक्ट को शायद हम दिन में एक बार दो बार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब तक इंसान जिंदा रहता है तो खाना खाना उसकी सबसे बड़ी जरूरत रहती है, हवा और पानी के बाद। तो जब तक इंसान इस धरती पर रहेगा, फूड टेक्नोलॉजी का वर्चस्व, फूड टेक्नोलॉजी का भविष्य सुरक्षित रहेगा, क्योंकि इंसान को खाना खाना ही है अप्रोच। और धीरे धीरे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, प्रोसेस फूड की तरफ ज्यादा झुकाव है बजाय घर में होने वाले खाने की तरफ, क्योंकि घर में पहले सिर्फ एक वर्किंग आदमी होता था जो घर का बड़ा होता था, घर के पिताजी थे और उनके सहारे ही दादा दादी और माँ और बच्चों का पेट भरा जाता था। लेकिन आज के दिन न्यूक्लियर फैमिलीज होने के कारण हिंदुस्तान में मेरी लैब में आएगा फूड प्रोसेसिंग और प्रोसेस प्रोडक्ट्स की बहुत आयत बढ़ गई है। कुछ तो जरूरत है और कुछ देखा देखी और एडवर्टीजमेंट्स के कारण लोगों में इन चीजों का चलन बढ़ गया है। फूड टेक्नोलॉजी की मदद से जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो नो डाउट बहुत सेफ होते हैं और उसमें अलग से न्यूट्रिशन भी ऐड कर सकते हैं, तो वो कोई खराब प्रोडक्ट नहीं है। हमारी आम धारणा ये होती है कि घर में बना हुआ खाना ये सबसे अच्छा खाना होता है, ऐसा नहीं है। जिन घरों में सही तरीके से साफ सफाई रख के अगर खाना ना बनता हो तो उसकी वजह जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं जिनके अंदर साफ सफाई का, हाइजीन सैनिटेशन का पूरा ख्याल रखा जाता है, और जहां पे जिन घरों में न्यूट्रिशियस होलसम फूड ना बनता हो, जैसे गरीब घर है, हालांकि कहा देखे भी जाता है कि गरीब घर जो घर पे खाना सही नहीं बना सकते वो बाजार का खाना कैसे अफोर्ड कर सकते हैं, वो भी एक सही तथ्य है। लेकिन फिर भी क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर जो भोजन पकता है तय मानकों के अनुसार पकता है, तो साफ सफाई के भी जो तय मानक हैं, न्यूट्रिशन के जो तय मानक हैं, वो उनको पूरे करने पड़ते हैं। तो न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा खाना आज हर कंज्यूमर को मिल रहा है और रोजमर्रा के जिंदगी में वक्त की कमी होने के कारण घरों में भी पैक फूड का, प्रोसेस फूड का चलन बढ़ा है। इन सभी कारणों से फूड इंडस्ट्री के अंदर फूड टेक्नोलॉजी की जो जॉब्स हैं वो भी पहले के मुकाबले बहुत बढ़ी है। तो इसलिए अगर किसी और ब्रांच से कंपेयर ना करके अगर हम पहले के मुकाबले अगर आज के फूड टेक्नोलॉजिस्ट को देखें तो उसकी जॉब्स बहुत अच्छे लेवल पे अच्छी है, सिक्योर है, बशर्ते आप अपनी पढ़ाई ढंग से करें, एक अच्छे फूड साइंटिस्ट, एक अच्छे फूड टेक्नोलॉजिस्ट बने।
जॉब की कोई कमी नहीं है और आगे आगे जॉब बढ़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे हिंदुस्तान में या कुछ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बढ़ेगी, फूड टेक्नोलॉजी बढ़ेगी। तो रेस्ट अश्योर्ड, आपको जो भी फूड टेक्नोलॉजिस्ट अभी डिप्लोमा कर रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, सभी को अच्छी जॉब्स मिलेंगी और बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज, बहुत अच्छे पे स्केल के साथ, अच्छे वर्क एनवायरनमेंट के साथ इंडिया में काम कर रही है और आगे आगे ये कल्चर और अच्छी करेगी। तो इसलिए आप सभी से गुजारिश है और आप सभी की क्वेरीज को मैं एक ही वीडियो के माध्यम से रिजॉल्व करना चाहता हूँ कि एज अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट आपका फ्यूचर सिक्योर है, आप एक अच्छी ब्रांच के अंदर हैं और अपने लेकर अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से खाद्य तकनीकी को, फूड टेक्नोलॉजी को समझें और अपने करियर को इसमें बनाएं। धन्यवाद आपका इस बातचीत को सुनने के लिए और फ्यूचर में भी मैं अलग अलग इंडस्ट्रीज को लेके बात करूंगा आपके साथ। मेरी कोई अपनी स्क्रिप्ट नहीं है कि जिसको या तब पढ़ रहा हूँ, मन में बातें हैं तो उसे बात करके देख के समझ में आई, वही बातें मैं आप लोगों से शेयर करूँ। धन्यवाद। तो भाई ये वीडियो मैंने करीब 2 साल पहले बनाई थी, भाई जो भी ज्वाइन करे एक बार अपने आप को म्यूट जरूर कर ले, क्योंकि आपके घर की सारी बातें औरों को सुनाई दे रही है। तो इस वीडियो में मैंने यही बताया कि फूड टेक्नोलॉजी ब्रांच क्या है और फ्यूचर क्या है, इसके बारे में जो बातें हैं वो आप लोगों से शेयर की, और थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए, डिटेल में बताने के लिए हमने एक प्रेजेंटेशन बना रखी है। उस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम जो भी इस ब्रांच से जुड़ा हुआ बंदा है या जो नया जुड़ा है या जिसको नहीं पता इस ब्रांच के बारे में, उनको हम इंफॉर्मेशन देते हैं कि हमारा डिपार्टमेंट 2017 की बनी हुई है प्रेजेंटेशन, कि फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट क्या है, कैसे काम करता है, तो हमारा क्या रिकॉर्ड रहा है बेसिकली। तो इसके लिए जो छोटी सी झलकी है वो आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो ट्रेनिंग प्लेसमेंट का रिकॉर्ड है, पहले तो इस जब आप ये डिप्लोमा करोगे, इस डिप्लोमा का पूरे का हमने एक ब्रोशर बनाया हुआ है, वो ब्रोशर मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ और बताता हूँ कि आपका डिप्लोमा कैसे चलेगा पूरे का पूरा। ये पीडीएफ फाइल आपको दिख रही है सभी को? यस सर, दिख रही है। तो सबसे पहले तो ऊपर हमारा डिपार्टमेंट क्या है, इसको टेक्निकल पॉलिटेक्निकल ये नहीं बोलना, ये डिपार्टमेंट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, ये पॉलिटेक्निक होता है, पॉलिटेक्निकल नाम की कोई चीज नहीं होती। मंडी आदमपुर एक कस्बा है हिसार डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा में, और इंडिया के अंदर ये पिन कोड है 125052। राइट साइड में ऊपर हमने फोन नंबर जो हमारा लैंडलाइन है प्रिंसिपल ऑफिस का वो लिख रखा है, ये हमारा सरकारी ईमेल एड्रेस है gpadampur@hry.nic.in और ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.gpadampur.ac.in। इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते, लेकिन फूड टेक्नोलॉजी के लिए मैंने अभी आपको जो वेबसाइट दिखाई थी कि gpadampur.wordpress.com, वो हम फूड टेक्नोलॉजी के लिए यूज करते हैं। पूरे कॉलेज की एक्टिविटी अगर आपको जाननी है तो ये gpadampur.ac.in। साल का हमारा जो इनटेक है मैक्सिमम हम 60 बच्चे ले सकते हैं और हमारी जो प्लेसमेंट का रिकॉर्ड है वो 100% है, यानी जितने बच्चे यहाँ से पास आउट होते हैं उन सभी को जॉब मिलती है। मैंने बनाया है इसलिए मेरा खुद का कॉन्टैक्ट मैंने इसमें लिख दिया, मेरी ईमेल आईडी है vedpalp@yahoo.com और ये मोबाइल नंबर है अगर आपको ट्रेनिंग प्लेसमेंट से रिलेटेड कोई बात करनी है तो। धन्यवाद। इसके अलावा हमारे डिपार्टमेंट का क्या विजन है, क्या मिशन है, ये इसके ऊपर दे रखा है। ये विजन मिशन हरेक को पता होना चाहिए कि हम क्या सोच लेके चल रहे हैं इस डिपार्टमेंट को। हमारी सोच है कि हम हाई क्वालिटी एजुकेशन और ट्रेनिंग दें उन इंडिविजुअल्स को
जो अपना करियर फूड टेक्नोलॉजी के फील्ड में बनाना चाहते हैं, यानी जो फूड इंडस्ट्री के अंदर या फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी के अंदर या इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, पॉलिटेक्निक्स में एज ए टीचर अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए हम उन सभी को हाई क्वालिटी एजुकेशन और ट्रेनिंग देना चाहते हैं। ये हमारा विजन है और इस विजन को पूरा करने के लिए हमारी जो मिशन स्टेटमेंट है, उस मिशन स्टेटमेंट में सबसे पहले हमारी स्टेटमेंट यही है कि क्वालिटी एजुकेशन और ट्रेनिंग देंगे बेसिक साइंसेज की और फूड टेक्नोलॉजी के जो डिफरेंट फेसेट्स हैं, और उसको किसके जरिए देंगे, इनोवेटिव टीचिंग है या हैंड्स ऑन ट्रेनिंग एनवायरमेंट है उसके जरिए। फिर हम क्वालिटी इंजीनियरिंग एजुकेशन देंगे क्योंकि ये इंजीनियरिंग का फील्ड है, और बच्चों को एथिक्स भी सिखाएंगे ताकि वो अच्छे इंसान बन सके जिनमें अच्छी मॉरल वैल्यूज हो और अच्छी इंटीग्रिटी हो। फिर बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई के साधन बच्चों के लिए जुटाएंगे और उनका इस्तेमाल करेंगे ताकि नॉलेज ट्रांसफर, जो हमें ज्ञान है, वो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा दे पाए। अभी जिस तरह जूम और ये ऐप अभी आए हैं, लेकिन हम 2011 से, मैं आपको पुराने डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा, 2011-12 से हम स्काइप के जरिए जो अलग अलग कंट्रीज के अंदर हमारे नोन है, जैसे हमने एक 2011 में ही करवाया था स्काइप के जरिए लेक्चर, वहां के फूड साइंटिस्ट और शेफ थे उनका, स्कॉट कार्लिनो का ऑनलाइन लेक्चर करवाया था, वो रात को 10 बजे अपने, क्योंकि 12 घंटे का टाइम में इंडिया और यूएसए में, तो वो अपने रात को 10 बजे 10:30 बजे अपने घर से लेक्चर दे रहे थे और हमारे यहाँ दिन के 10 बजे थे, तो सभी स्टूडेंट्स को ऑनलाइन लेक्चर यूएस से करवाया था। फिर मेरे एक जूनियर और फ्रेंड थे, वो सऊदी अरब में थे, उनसे लेक्चर करवाया था। एक मेरे ही नोन थे पार्ले बिस्किट्स अपने यूपी के अंदर, उनसे लेक्चर करवाया था। तो हम ये जो टेक्नोलॉजी है जिसको दुनिया आज सभी, क्योंकि कोविड के कारण घर हैं तो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी आज से 10 साल पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, जब हमारे पास ऑप्शन स्काइप की होती थी और वो लेक्चर बच्चों को दिलवाते थे। तो जैसा भी हमें साधन मिलते हैं, उन साधनों को अच्छे से अच्छा करके और बढ़िया से बढ़िया लैब्स के अंदर बच्चों को समझाने का काम हम इस डिपार्टमेंट में करते हैं। फिर धन्यवाद। अगला जो लास्ट हमारा मिशन है कि ऐसा मैकेनिज्म बनाएं जिससे कि जो भी बच्चों की थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है या थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं आज के प्रैक्टिकल सिनेरियो में, वो अच्छा भोजन, बढ़िया भोजन, सस्ता भोजन और एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, सस्टेनेबल हो, वायबल हो, इस तरीके का भोजन उपलब्ध करवा पाए, उनको इस तरीके से हम तैयार करेंगे। तो ये हमारी 4 मिशन स्टेटमेंट है। इसके बाद हमने एक छोटा सा मैप बना के डाला हुआ है ताकि कोई अगर यहाँ दिल्ली से आए, दूर से जो आते हैं, तो अगर कोई बंदा दिल्ली से आए तो वो यहाँ कैसे पहुंचेगा। अगर कार से आ रहा है, बस से आ रहा है, तो सीधा उसको हिसार आना है, हिसार उतरने के बाद उसको सिरसावाड़ी बस पकड़नी है, अग्रोहा मोड़ उतरना है, और अग्रोहा मोड़ से वो आदमपुर के लिए बस पकड़ेगा। अभी भाई 10 मिनट का और टाइम है, और कुछ बताने की ट्राई करूंगा 5-1 मिनट में, फिर आप लोगों की अगर कोई क्वेरी होगी तो वो हम रिजॉल्व करेंगे। तो अगर कश्मीरी गेट जो ISBT है दिल्ली के अंदर, वहां से करीब करीब 224 किलोमीटर पड़ता है, 4 घंटे की जर्नी है बाय कार, नॉर्मल आवर्स में अगर कोई जाम वगैरह ना हो तो। ISBT से सीधा आपको हिसार की बस पकड़नी है। अपना एनोटेशन ना करो भाई, बीच में खराब ना करो, मेरे को बार बार क्लियर करना पड़ेगा ये। तो ये जो ISBT है, यहां से अगर आप चलते हो तो करीब 4 घंटे में आप पॉलिटेक्निक में पहुंच सकते हो। उसका सीधा सा रोहतक, हांसी, हिसार, अगर आपको सीधी सिरसा की मिल जाए तो रोहतक, हांसी, हिसार होते हुए आप सिरसा के लिए जब निकलोगे तो रास्ते में जगह आएगी अग्रोहा मोड़, तो टिकट आपको अग्रोहा मोड़ की लेनी है, और अग्रोहा मोड़ से आपको लेफ्ट साइड का रास्ता पकड़ना है जो आदमपुर को आता है, और आदमपुर में गौशाला किसी से भी पता कर लो, ITI पता कर लो, FGM गवर्नमेंट कॉलेज पता कर लो, ये सारे इकट्ठे हैं। तो यहाँ पे पॉलिटेक्निक है,
दूसरा तरीका क्या है, दिल्ली से ट्रेन चलती है जो सिरसा बठिंडा जाती है, वो ट्रेन आदमपुर में रुकती है। अभी तो ट्रेन चली नहीं है लेकिन चलने लग जाएंगे थोड़े दिनों में, तो आपको दिल्ली से आदमपुर की ट्रेन पकड़नी है। तो ये एक मैप के जरिए हमने बता रखा है कि भाई कैसे आदमपुर पहुंचना है। जब आप यहाँ आओगे, आपका फर्स्ट ईयर जो स्टार्ट होगा, तो उसमें आपके कुछ एक कोर्सेज हैं, उन कोर्सेज के सिर्फ मैं यह नाम बताऊंगा। पहला कोर्स, ये फर्स्ट ईयर है आपका, सेमेस्टर नहीं है, सेमेस्टर 6 महीने का होता है, ईयर पूरा 1 साल। तो पूरे 1 साल में आपको ये 10 कोर्स पर पढ़ाए जाएंगे, जिसमें इंग्लिश है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, अप्लाइड फिजिक्स है, अप्लाइड केमिस्ट्री है, बेसिक्स ऑफ फूड टेक्नोलॉजी है। ये एक फूड टेक्नोलॉजी का हमने कोर्स डाला हुआ है, राजेश जिंदल सर हैं जो हमारे सीनियर लेक्चरर हैं, वो इस कोर्स को लेते हैं आमतौर पे। फिर एनवायरमेंटल स्टडीज है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोर्स आमतौर पे मैं लेता हूँ आईटी का, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये फर्स्ट ईयर के अंदर कोर्स होता है, और इसके बाद जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस है, और एक कोर्स आपका प्रैक्टिकल का है, इसका कोई आपके नंबर नहीं लगते, लेकिन स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज नाम से ये कोर्स है, जिस जो प्रैक्टिकल कोर्स है, क्या स्टूडेंट्स से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उनके बारे में इनको बताया जाता है। जब आप फर्स्ट ईयर कर लेते हो तो 1 साल के बाद आपका थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट होता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में पहले फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर होते थे, तो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर को मिला के फर्स्ट ईयर बना दिया, इसलिए ये थर्ड सेमेस्टर है। तो थर्ड सेमेस्टर में आपका जो कोर्स आएगा फूड माइक्रोबायोलॉजी, कि फूड के अंदर जो भी माइक्रोब्स हैं, जैसे दही जमती है तो वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से, और कुछ खराब करने वाले भी हैं जैसे साल्मोनेला है, इकोलाई है, इस तरीके के जो बैक्टीरिया हैं या वायरसेस हैं कुछ, या पैरासाइट्स हैं, तो जो भी माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड से रिलेटेड चीजें हैं वो इसमें पढ़ाई जाती हैं, कि फूड को सेफ कैसे रखना है, अनसेफ कैसे हो जाता है, माइक्रोब्स को खत्म कैसे करना है, किन किन तरीकों से, तो ये सारी चीजें आपको फूड माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ाई जाती हैं। फूड केमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन, कि फूड के अंदर प्रोसेसिंग के दौरान कौन कौन से केमिकल चेंजेस होते हैं, न्यूट्रिशन को अगर इम्प्रूव करना है, अच्छा बनाना है, तो क्या तरीके हैं, ये सारा उसमें बताते हैं। फिर फूड प्रोसेसिंग के और प्रिजर्वेशन के क्या प्रिंसिपल्स हैं, हीटिंग है, कूलिंग है, फ्रीजिंग है, ये सारे चीजें इसके अंदर बताई जाती हैं। इसी तरह से यूनिट ऑपरेशंस क्या क्या हैं, कोई भी अगर फूड प्रोसेसिंग आपको करनी है तो पहला जो स्टेप है उसको सॉर्टिंग से लेके, ग्रेडिंग से लेके, वॉशिंग से लेके, पीलिंग से लेके, कटिंग से लेके, उसके बाद उसकी आपको कूलिंग करनी है, फ्रीजिंग करनी है, या उसकी हीटिंग करनी है, फ्राइंग करनी है, उसके बाद उसको आपको फिर फ्रीज करना है, या फर्दर उसके अंदर कोई फ्लेवर ऐड करना है, उसके बाद उसकी पैकेजिंग है, स्टोरेज है, तो ये सारे एस्पेक्ट जो है यूनिट ऑपरेशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग में कराए जाते हैं। फिर फूड की हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज किस तरीके से करनी है, क्या मेथड्स हैं उसके, ये सारा आपको थर्ड सेमेस्टर में बताया जाएगा। और इसी के साथ थर्ड सेमेस्टर में एक कोर्स होगा जो टेक्नोलॉजी ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस के नाम से है। इस टेक्नोलॉजी ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस के अंदर जितने भी अनाज और दालें हैं उनकी प्रोसेसिंग की कैसे की जाती है, जैसे अनाज अपना जो सबसे कॉमन अनाज है वो कौन सा है, गेहूं। हर रोज रोटी खाते हैं ना, तो वो गेहूं के आटे से बनती है, तो गेहूं से आटा कैसे बनाया जाता है, सूजी किस चीज की होती है, गेहूं की या चावल की, बताना मेरे को, सूजी। सूजी किस चीज से बनती है भाई, आप लोगों को पता है? चावल से नहीं, ये भ्रांति है सबको, सूजी हमेशा गेहूं से बनती है, चावल की सूजी नहीं होती। तो इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जो आम आदमी को नहीं पता, लेकिन फूड टेक्नोलॉजिस्ट को इस कोर्स में को करने के बाद पता लगती हैं। तो कोई सरप्राइजिंग बात नहीं, 90% लोग यही कहते हैं कि सूजी चावल से बनती है, जबकि सूजी आटे से बनती है। फिर उसके बाद एक सॉफ्ट स्किल्स का कोर्स है, प्रैक्टिकल का कोर्स है, इसके नंबर काउंट नहीं होते, लेकिन इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो आपको लाइफ के अंदर, आपको रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स है, या आपकी मेमोरी एनहांसमेंट स्किल्स है, कंसंट्रेशन करने वाले स्किल्स है, ये सारी बातें इस कोर्स में करवाई जाती है। इसके बाद फोर्थ सेमेस्टर के अंदर आपको, जब थर्ड सेमेस्टर पूरा हो जाएगा 6 महीने बाद, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट का कोर्स आएगा, फ्रूट वेजिटेबल टेक्नोलॉजी का कोर्स आएगा, मीट फिश पोल्ट्री का कोर्स आएगा,
फूड फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी का कोर्स आएगा। फर्मेंटेशन के दौरान कि क्या क्या चेंजेस होते हैं फूड में, फूड अच्छा भी बनता है फर्मेंटेशन से बुरा भी बनता है, जो भी आपकी बियर है वाइन है या स्पिरिट्स हैं, ये सारी फर्मेंटेशन और इसके साथ साथ और जो दूसरे यूनिट ऑपरेशंस हैं उनके द्वारा बनती हैं। फिर फूड इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स करवाए जाएंगे आपको, और बेकरी और कन्फेक्शनरी का भी कोर्स होगा, और सॉफ्ट स्किल्स का आपका सेकेंड पार्ट होगा। इसके बाद ही जैसे ही आपका फोर्थ सेमेस्टर खत्म होता है और डेढ़ आपकी डेढ़ दो महीने की छुट्टियां होती हैं, उन छुट्टियों में आपको एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी करनी होगी। ये 6 हफ्ते की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होगी जो किसी फूड इंडस्ट्री के अंदर आपको करनी होगी। आमतौर पर ये 6 जून से लेके 20 जुलाई, 6 जून तक पेपर खत्म हो जाते और 20 जुलाई तक आपको ये कंप्लीट करनी होती है। इसकी ट्रेनिंग रिपोर्ट आप फिर फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर जमा कराते हैं। जब आपको फिफ्थ सेमेस्टर आप करने आएंगे तो फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर अब की बार हमारे कुछ कोर्सेज चेंज हुए हैं। तो सबसे पहले तो ये जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपने की है फोर्थ सेमेस्टर में, इसकी रिपोर्ट आपको जमा करानी है। फिर आपको फूड लॉज एंड स्टैंडर्ड्स एक कोर्स है वो करना है, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फूड टेक्नोलॉजी करना है, हेल्थ एंड फंक्शनल फूड करना है, इसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल करना है, फिर टेक्नोलॉजी ऑफ ऑयल एंड फैट करना है। और 2 महीने ये कोर्स करने के बाद उसके बाद 8 हफ्ते की यानी 2 महीने की 15 सितंबर से 15 नवंबर तक एक और ट्रेनिंग आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो इंडस्ट्री में आपको करनी है वो आपकी शुरू हो जाएगी। और इसके साथ ही सॉफ्ट स्किल्स 3 नाम से जो आपका कोर्स है वो भी चलेगा। जब आप ये ट्रेनिंग करके आओगे तो आपको फोर्थ की ट्रेनिंग की रिपोर्ट और फिफ्थ की ट्रेनिंग की रिपोर्ट जमा करानी है, इनके वाइवा होंगे आप। जब आपका फिफ्थ सेमेस्टर कंप्लीट हो जाता है तो 6ठे सेमेस्टर में आप आखिरी सेमेस्टर है जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट का कोर्स करते हो, फूड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी ऑफ नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, फूड एनालिसिस एंड क्वालिटी कंट्रोल और वेस्ट मैनेजमेंट इन फूड इंडस्ट्री, ये कोर्सेज करोगे। इन कोर्सेज को 2 महीने करने के बाद आपकी एक और प्रोजेक्ट ओरिएंटेड प्रोफेशनल ट्रेनिंग 8 हफ्ते की 15 फरवरी से 15 अप्रैल तक स्टार्ट हो जाएगी, और सॉफ्ट स्किल 4 आपका ये कोर्स होगा। हमारी ये 8 लेबोरेटरी हैं जो 4 रूम्स के अंदर चलती हैं, और हमारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। टाइम खत्म होने वाला है भाई, 1 मिनट से भी कम टाइम है मेरे पास, इसलिए समाप्त कर रहा हूँ इसको मैं। और ये कंपनियां हैं जिनमें, और इनसे भी और बहुत सी अलग कंपनियां हैं, ज्यादा कंपनियां हैं जिनमें हमारे बच्चे नौकरी कर रहे हैं, लगे हैं। ये हमारा टेक्निकल एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है हरियाणा का, उसकी वेबसाइट है। हमारा फेसबुक के ऊपर ये ग्रुप है फूड टेक आदमपुर नाम से, इसको ज्वाइन कर लेना। इसके अंदर जितनी भी जॉब्स वगैरह हमारे पास आती हैं सब इस ग्रुप के अंदर हम डालते हैं, और इंडिया के और अब्रॉड के, भारत से बाहर के भी करीब 2500 से 3000 फूड टेक्नोलॉजिस्ट इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। तो ये है भैया हमारी अब तक की कि हम क्या करेंगे। तो अगर आपको इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, अगर और डिटेल में जानना है तो आप जब डिपार्टमेंट आओगे तो इसके बारे में और डिटेल में जान सकते हो। कुछ पूछना तो अभी पूछ सकते हो, 1 मिनट से कम समय रहा है हमारे पास। किसी को कुछ पूछना हो, मोहित जिंदल सर भी आ गए मेरे साथ, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में जो बैठे हैं मोहित जिंदल सर हैं, जिनसे आपकी हमेशा बात होती रही है। तो अगर कोई बात करनी हो तो अभी हमसे पूछ सकते हो, नहीं तो आप लोगों को एक